अगर ऐसे 5 साल पहले मेरे से कोई पूछता कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो मेरा जवाब होता MCU, क्योंकि वो चीज थी जिसकी एक एक मूवी का इंतजार हमें महीनों पहले से होता था, स्पेशली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसका वेट हम दी एवेंजर्स मूवी के सीन से कर रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 6 सालों से। और लिटरली जब इसका ट्रेलर आता है ना, बूम, पूरा इंटरनेट हिल जाता है। MCU का मेरी लाइफ में काफी बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब MCU में वो बात नहीं रही जो पहले थी। क्यों भाई? बिकॉज MCU हैज चेंज। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये बात अराउंड 2010 की है, गर्मियों का मौसम था। उस दिन मैं और मेरा भाई काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। अरे यार बंटी, कितनी गर्मी है आज तो, भाई तू तो रोज ही बोलता है चल आइसक्रीम खाने चले। भाई तू तो रहने दे, पिछली बार भी तूने ऐसे ही बोला था आइसक्रीम खाने चले। और आंटी तू आइसक्रीम दे ना। और फिर तो तेरी आइसक्रीम फटाफट खा के वहां से भाग गया, फिर मुझे पूरा दिन वहां साफ सफाई करना पड़ी। चल फिर कुछ और करते हैं। फिर हम मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, लेकिन टीवी पर तो कुछ खास आ नहीं रहा था, तो फिर हम हमारे पास मौजूद DVD के कलेक्शन से कोई मूवी देखने का सोचते हैं, लेकिन 30 मिनट तक ढूंढने के बाद भी हमें कोई मूवी समझ नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से एक मूवी ऐसी दिखती है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो थी आयरन मैन। और लिटरली इस मूवी को देखने के बाद मैं इस मूवी और RDJ का फैन हो गया। हाँ वो अलग बात कि उस समय तक मुझे RDJ का नाम तक नहीं पता था, बट फिर भी यार मैं उसका फैन हो गया था। हमने आयरन मैन से रिलेटेड और भी चीजों का पता करा, फिर हमें पता चला कि आयरन मैन मार्वल नाम की कंपनी का एक हिस्सा है, और इसके अंदर स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, हल्क, एक्समैन, कैप्टन अमेरिका और ऐसे ही कई सुपर हीरोज आते हैं। फिर हमने 2008 में रिलीज हुई हल्क देखी, उसके बाद आयरन मैन 2, और इसी मूवी से हमें मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन का पता चला था, क्योंकि इस मूवी के एंड में हमें थोर का हैमर दिखाया जाता है। देन इसके बाद हमने मार्वल की थोर मूवी देखी, और इस मूवी से हम समझ चुके थे कि सारी मार्वल की मूवीज आपस में कनेक्टेड है। बट इसका असली रियलाइज तो हमें जब होता है जब 2012 में हम दी एवेंजर्स का ट्रेलर देखते हैं। और लिटरली इस ट्रेलर को देखने के बाद में इतना खुश हुआ था ना कि पूछो ही मत। मतलब ये पहली बार था जब हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 सुपर हीरोज को एक साथ देख रहे थे। इस मूवी की लिटरली वाइब ही अलग थी। और इस टाइम तक हम MCU के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। इसके बाद MCU की कई मूवी रिलीज हुई, जैसे आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंटमैन, और ये सारी मूवीज हमने थिएटर में देखी। फिर आता है साल 2016, और मुकेश अंबानी बिल्कुल सुपर हीरो की तरह आते हैं और जियो को लॉन्च करते हैं। और इसके बाद इंडिया में इंटरनेट यूजर जो बड़े हैं ना, पूछो ही मत। ये वो समय था जब मार्वल अपने पिक पर था, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी मूवी रिलीज हुई थी जहां हमारे फेवरेट सुपर हीरोज आपस में ही लड़ रहे थे, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के लिए तैयार थे, स्पाइडरमैन को MCU में इंट्रोड्यूस किया गया। और MCU की सक्सेस के साथ साथ मूवी रिव्यू और सुपर हीरो कैटेगरी के कई यूट्यूब चैनल सामने आए, जैसे सुपर सुपर, देसी नट, कॉमिक वर्स, PJ एक्सप्लेन और कई सारे। और इसी बहती गंगा में हमने भी हमारे हाथ धोए थे। साल 2017 में हमने भी हमारा पहला यूट्यूब चैनल ओपन किया था। अब मुझे याद है उस समय मुझे यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरे पास अच्छा तो छोड़ो एक माइक तक नहीं था। फिर मैं लिटरली यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ हाउ टू मेक माइक एट होम, और फिर हमारे सामने एक वीडियो आती है, और उसको देखने के बाद ये वाला माइक हमने बनाया था। हाँ ये कोई पेन नहीं, माइक है। फिर हम हमारी पहली YouTube वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो Avengers Infinity War का लीक ट्रेलर था। और गाइस लिटरली ये वीडियो 2.5 GB की सेव हुई थी, और इसी वजह से मुझे इसको अपलोड करने के लिए मेरे घर के पास वाले फ्री जियो वाईफाई तक जाना पड़ा था। अब समय के साथ साथ वीडियो साइज की प्रॉब्लम तो दूर हो गई थी, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, और वो थी मोनेटाइजेशन की। उस समय इतने चैनल क्रिएट किए जा रहे थे कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लगा रहा था, यहाँ तक कि हमारा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया काफी पहले ही कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में करीब 2 सालों का समय लगा। मोनेटाइजेशन होने के बाद काफी टाइम तक वो चैनल चलाया भी, काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी कर लिए थे, लेकिन अभी प्लीज चैनल का नाम मत पूछना, अभी वो चैनल पूरी तरह प्राइवेट है। अब ऐसा क्यों किया हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अगर वो चैनल नहीं होता तो आज नो फॉल भी नहीं होता। तो हाँ वापस टॉपिक पर आते हैं, तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक MCU के हर कैरेक्टर के साथ एक अलग ही टाइप की बॉन्डिंग हो चुकी थी। इन्फिनिटी वॉर में अपने फेवरेट सुपर हीरोज को हारता हुआ देख काफी दुख भी होता है, और इन 2 सालों में ना जाने कितनी थ्योरीज हमारे सामने आई। और फिर एक दिन एवेंजर्स एंडगेम का ट्रेलर आता है, और जैसे ही मुझे ये पता चलता है ना कि एवेंजर्स एंडगेम का ट्रेलर आया है, मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ, और सबसे पहले ट्रेलर को ओपन करके उसको लाइक करता हूँ, फिर कमेंट, एंड देन उसको फुल HD में डाउनलोड करके अपने LED TV पर होम थिएटर के साथ उसको देखता हूँ। और ऐसा करने वाला एक लौता मैं नहीं था, बल्कि ऐसे कई लोग थे जो ऐसा करते थे। अब तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि MCU के लेके उस समय लोग कितने पागल थे,
और सच में गाइस उस समय एमसीयू की किसी मूवी की जो एक्साइटमेंट थी ना वो नेक्स्ट लेवल रहती थी। एंड गेम में कई दिल छू लेने वाले मोमेंट थे, जैसे टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस, कैप्टन अमेरिका का म्यूनिक लिए वर्दी होना और एवेंजर्स का एक बार फिर असेंबल होना। एंड गेम पिछले 10 सालों की वो मेहनत थी जिसका हर एक मार्वल फैन को इंतजार था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एवेंजर्स एंड गेम के साथ साथ ऑलमोस्ट एमसीयू का भी एंड गेम हो चुका था। आई थिंक इसके बाद स्पाइडरमैन की वो मूवी थी जो हमें पसंद आई। धीरे धीरे एमसीयू का क्रेज कम होने लगा और अब एमसीयू में वो बात नहीं रही। अभी नवंबर में दी मार्वल्स की मूवी कब आई और कब गई लिटरली मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो गाइस मार्वल की किसी मूवी की एक्साइटमेंट उसके रिलीज होने के महीनों पहले से ही रहती थी। बट जैसा कि मैंने बताया कि मार्वल अब बदल गया है और आई थिंक एमसीयू की हाइप कम होने का एक मेन रीजन ये भी है कि अब हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स नहीं रहे। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ये बात एमसीयू भी जानता था कि उनकी कोर ऑडियंस भी बड़ी हो रही है और किसी भी मूवी या सीरीज का सही टाइम पे एंड हो जाना उसे हमेशा के लिए अमर बना देता है। सो आई थिंक यही रीजन था कि अब मार्वल की हाइप कम होने लगी। आई मिस यू मार्वल। वैसे गाइस तुम लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड जैसे कि आपको पता है कि एनिमेशन बनाने में कितने एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना तो जाने ही मत। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।